हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज गंधक रसायन। आज मैं इस वीडियो में आपको गंधक रसायन के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इससे रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको दूंगी। ये किन डिजीज़ में यूज़फुल है, किन डिजीज़ में इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इसके डोज़ क्या होने चाहिए, इसके जो है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और इसकी प्राइस क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आगे भी मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन की रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपके हेल्थ रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ वीडियो, दैट इज़ कॉल्ड गंधक रसायन। सबसे पहले मैं गंधक रसायन की पैकिंग आपको दिखा देती हूँ। इसकी पैकिंग कुछ छोटे डिब्बे में इस तरह की आप देख सकते हैं, रेड और वाइट कलर की इसकी पैकिंग है और ये डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसे डाबर कंपनी ने बनाया है। और ये गंधक रसायन जो है, ये मेनली जो है इसका मेन फंक्शनिंग है स्किन डिजीज़ के लिए एक बहुत अच्छी ये दवा मानी गई है, बहुत अच्छी मेडिसिन इसे आयुर्वेद की दुनिया में माना गया है, जो किसी भी तरह के स्किन डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है और बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज़ हो, जैसे कि दाद, खाज, एक्जिमा, चर्म रोग, सिरोसिस, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग को भी ठीक करने में ये जो है बहुत यूज़फुल है, बहुत मददगार एक मेडिसिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100% नेचुरल है, यानी कि ये 100% आयुर्वेदिक तत्वों से इसे बनाया गया है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो बिल्कुल आयुर्वेदिक है और नेचुरल है, इसलिए ये आपको बिना नुकसान पहुंचाए आपके स्किन के प्रॉब्लम को जो है वो 100% ठीक करती है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि मुख्य जो इंग्रेडिएंट है, वो है शुद्ध गंधक और इलायची, दालचीनी, तेजपात, नाग केसर, गिलोय का रस, अदरक का रस, त्रिफला, इन सब चीज़ों के मिश्रण से इसे बनाया गया है। और आप तो जान सकते हैं कि ये सब एक एक चीज़ें जो हैं अपने आप में एक औषधि है, और जब इन सब को मिला करके बनाया गया है मिश्रण से, तो ये कितना एक पावरफुल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन तैयार किया गया है आप खुद समझ सकते हैं। और ये मेडिसिन जो है टू फॉर्म्स में कंपनियाँ इसे बनाती है, एक तो टैबलेट फॉर्म में और दूसरी जो है पाउडर फॉर्म में। आपको जिस फॉर्म में चाहिए आप ले सकते हैं। ये जो है ये हमारी टैबलेट फॉर्म में है, ये देखिए इसके अंदर टैबलेट्स हैं, और पाउडर फॉर्म में भी ये आती है। इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और पित्त मसामक होती है। इसमें जो है विष को दूर करने वाला नाशक भी इसे कहा जाता है। ये एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक और ब्लड प्योरीफायर भी है। ये जो है ब्लड को भी बहुत अच्छे से प्योरीफाई करती है ये मेडिसिन। आइए देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, पुराने से पुरानी स्किन की समस्या, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सिरोसिस, सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। और ये जो है फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर लोग फंगल इन्फेक्शन की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो ये कॉमन सी डिजीज़ है फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि चकते उठना, अगर आपके शरीर में कहीं भी चकते उठ जाते हैं, पित्त उछलना जिसे हम कहते हैं, इन सब चीज़ों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और तो और बालों का झड़ना, अगर आपके बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं और आप सारे शैम्पूज एंड ऑल ट्राई करके देख लिए हैं लेकिन आपको कोई भी राहत नहीं मिल रही है, तो बहुत अधिक अगर बाल झड़ रहे हैं, आप इस गंधक रसायन का इस्तेमाल करें, आपका बाल झड़ना भी जो है कम हो जाएगा। डैंड्रफ की समस्या में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपको है तो आप इस गंधक रसायन को यूज़ कर सकते हैं। और ये पिम्पल्स, कील, मुहासे, इन सब चीज़ों में भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप पिंपल्स से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप गंधक रसायन का यूज़ करें, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है पिंपल फ्री हो गई है और एक ग्लोइंग स्किन के आप हकदार बन गए हैं। और जो है ये खून को भी बहुत अच्छा साफ़ करती है। ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये एक ब्लड प्योरीफायर है, और जब ये ब्लड प्योरीफायर और खून को साफ़ करती है
तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है अच्छी होती जाती है, उसकी क्वालिटी और दाद खाज खुजली पिंपल्स इन सब से आपको छुटकारा मिलता है। और ये जो है कमर दर्द कंधों के दर्द में भी बहुत असरदार एक औषधि पाई गई है। इसे हम कमर दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कंधों में दर्द भी अगर आपको है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये थे इसके बेनिफिट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसकी डोज़ की बात कर लेती हूँ। इसकी जो डोज़ है वो 1x3 टाइम्स अ डे है, यानी कि एक गोली जो है तीन बार तक आप ले सकते हैं, एक एक गोली करके तीन टाइम। और नहीं तो सबसे अच्छी बात इसकी ये होगी कि ये आपके समस्या के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू डिजीज़ जो है आपको दवाई दी जाती है इसकी। इसके लिए आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से जो है सलाह ले ले, डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, वो आपकी परफेक्ट डोज़ आपके डिजीज़ के अनुसार कितनी पुरानी है या कितनी ज़्यादा है कम है उस अनुसार आपको दवाई सेट कर देंगे, तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और नॉर्मल रेंज जो है वो एक गोली तीन बार आप ले सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन। आइए बात कर लेती हूँ इसकी प्राइस की। इसकी जो प्राइस है वो जो है 98 रुपीज़ है, यानी कि 98 रुपये इसकी MRP है। आप देख सकते हैं ये प्रिंट रेट जो है 98 रुपीज़ है। ये हमारे लक्ष्मी आयुर्वेद में भी उपलब्ध है और नहीं तो किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में आपको ये आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये आयुर्वेद की दुनिया में ये एक स्किन की बहुत प्रचलित दवाई है जिसे आप आसानी से अपने लोकेलिटी में आपको मिल जाएगी। तो होप मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप इन्फॉर्मेटिव रहें, आप गुड हेल्थ के मालिक रहें और आप जो है हमारे साथ आगे भी बने रहें। टिल देन टेक केयर, बाय।